नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर। आज से 1.5-2 महीने पहले तक आप ये देख रहे होंगे कि हर चीज पर हंगामा होता था पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर। आप कहीं पर भी चले जाएं, वहां पर केवल पेट्रोल के ऊपर ही डिस्कशन होता था, न्यूज रूम्स में पेट्रोल होता था और हर जगह पेट्रोल ही पेट्रोल होता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए? तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया। दोस्तों, आप ये मीम देख रहे होंगे, ये मीम बनाया है RVCJ रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स ने। ये एक बहुत बड़ा पेज है फेसबुक के ऊपर और ये एक प्रोपेगेंडा चलाता है सरकार के खिलाफ। इसने इतने सारे मीम्स बनाए पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, इतने सारे मीम्स बनाए पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर और वो वायरल भी होते थे। लेकिन आज जब पेट्रोल के प्राइसेस घट गए हैं तो इस पेज का कहीं नामो निशान नहीं है कि वो एक बार इस बात को बोल दे कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए हैं और इसके ऊपर भी कोई एक मीम बना दे और उसमें ये बता दे कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस कितने कम हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने में। तो ये प्रोपेगेंडा इस तरीके से चला रहे हैं। उसके बाद हम आपको लेकर जाते हैं ऑपोजिशन पर। ऑपोजिशन को आपने पिछले 1.5-2 महीने पहले देखा होगा कि किस प्रकार से हर सुबह उठते ही 50-60 ट्वीट कर दिए जाते थे केवल पेट्रोल के ऊपर। फिर उसके बाद इस मुद्दे को इतना ऊपर ले जाया गया कि भारत बंद तक करा दिया गया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ये पेट्रोल ही भारतीय जनता पार्टी को डुबा के मानेगा 2019 में। अब दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब हुई तो ये सारी बातें कहां दफन हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई इस बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहा है, सारे लोग कहां चुप बैठ गए हैं जो अब तक पेट्रोल पेट्रोल चिल्लाते थे, ये कहते थे मैं पेट्रोल ही पीऊंगा, वो लोग कहां हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। पेट्रोल के प्राइसेस पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर 12 रुपए घटे हैं। 12 रुपए घटना बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट ईयर लो पर पहुंच चुका है पेट्रोल का दाम 2018 के दिसंबर में। और इसके पीछे जो एक्शंस लिए गए हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले जब पेट्रोल का प्राइसेस स्काई हाई था, मतलब सबसे ऊपर चला गया था, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको सेंटर 2.5 रुपए से कम कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने हर एक स्टेट गवर्नमेंट से आह्वान किया कि आप भी 2.5 रुपए से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम कर दीजिए, यानी कि आप स्टेट वैट जो है उसको घटा दीजिए, जिससे जनता को 5 रुपए का लाभ मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी प्रदेश थे उन सभी सरकारों ने वैट को घटा दिया 2.5 रुपए से, यानी कि अपने लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को 5 रुपए से फायदा करा दिया पेट्रोल के प्राइसेस पर। लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स जहां जहां थी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए या ममता बनर्जी हो गई या और अन्य राज्य हो गए, उन सभी ने इस वैट को नहीं घटाया। वहां पर केवल एक्साइज ड्यूटी की वजह से 2.5 रुपए का फर्क पड़ा। लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल प्राइसेस नीचे गिरते गए, नीचे गिरते गए और आज इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि वो 12 रुपए सस्ता हो गया है पिछले 1.5 महीने के अंदर। आज की रेट में जो पेट्रोल के प्राइसेस दिल्ली में हैं वो हैं 70 रुपए 70 पैसे और डीजल के प्राइसेस हैं 65 रुपए 30 पैसे, जो कि दिल्ली में 83 पार चला गया था पेट्रोल, आज वो 70 रुपए 70 पैसे में है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा फर्क आया है। अब दोस्तों बताते हैं कि ये जो प्राइसेस इतने कम हो रहे हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। अभी सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर से एक क्वेश्चन किया गया, ओपेक में जितनी भी कंपनीज आती हैं उन सबकी एक मीटिंग चल रही थी और वहां पर एक प्रश्न किया गया। वो प्रश्न था डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ओपीईसी को, ओपेक को पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कम रखने चाहिए। अब यही सवाल जर्नलिस्ट ने पूछ लिया सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर से कि आपको
पेट्रोलियम प्राइसेस कम रखनी चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो इसके ऊपर एनर्जी मिनिस्टर ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। प्रश्न था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इज्जत करते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सम्मान देते हैं, उनकी बातों को भी बहुत सुनते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जो सुझाव है वो काफी सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ हम नरेंद्र मोदी को बहुत सुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने हमें 3 बार विजिट किया, हमारे साथ मुलाकात की, हमारे साथ फोन पे बात की, और साथ ही साथ वो इंडिया में भी कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे और G20 समिट में भी कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे कि हमें पेट्रोलियम प्राइसेस कम करने चाहिए और इंडिया को, इंडिया का जो कंज्यूमर है उसको पेट्रोलियम सस्ते दामों पर देना चाहिए। तो हमने नरेंद्र मोदी की बात को सुना। नरेंद्र मोदी की बात को सुनने के बाद हम लोग प्राइसेस कम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ पेट्रोल, 21 मिलियन आई बिलीव और देयर अबाउट्स, दैट्स 20% ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इफ नॉट मोर। And the consumer in the US, just like the consumer in France, just like the consumer in India, just like the consumer in Saudi Arabia, wants affordable energy. So he has every right to wish for affordability of energy for the citizens of the United States. And he is very vocal, using his favorite communication tool, which is Twitter, and we hear him and we take his views seriously. But we also take the views of Prime Minister Modi, who is equally vocal. We just met with him in Buenos Aires, and privately he made those points of view very, very strong, that he does care for Indian consumers. I've seen him 3 times in India, various energy events in India, where he also was very vocal. So, तो दोस्तों, यहां से साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं जिन्होंने पेट्रोलियम का प्राइसेस 12 रुपए तक कम करवा दिया है और आज ईयर लो पर पेट्रोल डीजल का प्राइस पहुंच चुका है। आज ना कोई ऑपोजिशन कुछ बोल रहा है, ना ही कोई भारत बंद हो रहा है, ना RVCJ जैसे पेज कोई मीम बना रहे हैं, सबके मुंह सिल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को सब तक जरूर फैलाइए। लोगों तक इस बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आप हमें मदद भी कर सकते हैं हमारे patreon.com पर। वहां पर अगर आप हमें मदद करते हैं तो उससे हमारा जो काम है वो और बेहतर होता है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमें वहां पर मदद जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।